स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट करो पे। तो आज मैं फिर से हाजिर हुई हूँ एक न्यू लोकेशन पे। जो लोकेशन रहने वाली है ये सनी इनक्लेव 123 सेक्टर की रहने वाली, नियर बाय पियर 7। तो मैं आज आपको लेके आई हूँ CBHK के होम टूर की तरफ। यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, प्रॉपर गेटर सोसाइटी है आपकी, एक बार देख लीजिए। और मैं जो है आपको G+3 के कॉन्सेप्ट पे लेके आई हूँ। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि आपको जो है एक फ्लोर पे आपको एक ही फ्लैट दिया जाएगा। यहाँ पे आपका पार्किंग स्पेस आ जाता है, आप चेक कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं फ्लैट के अंदर। तो कुछ इस तरह का आपका एलिवेशन रहने वाला है, आप चेक कर सकते हो। तो आइए चलते हैं घर के अंदर। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि आपको जो है एक फ्लोर पे सिर्फ एक ही फ्लैट दिया जा रहा है, आपकी घर की प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। जब आप एंटर करते हो तो आपको काफी स्ट्रॉन्ग आपको डोर दिया जाएगा। तो आइए घर के अंदर, स्वागत है आपका। एंटर करते ही आपका डाइनिंग और ड्राइंग एरिया जाता है। डाइनिंग और ड्राइंग एरिया का जो स्पेस रहेगा वो 11x20 में रहने वाला है, काफी खुला डुला है। यहाँ पे आपको जो है डाइनिंग एरिया का स्पेस दिया जा रहा है। 6 सीटर आप आराम से यहाँ पे लगा सकते हो। इसके साथ ही जो है आपका डाइनिंग एरिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आप 6 सीटर लगाया हुआ है। इसके साथ भी काफी खुला डुला स्पेस दिया जा रहा है। ये आपकी डाउन सीलिंग रहेगी विद कंसील लाइट के साथ, आपको डाउन सीलिंग दी जा रही है। यहाँ पे आपको विंडो भी प्रोवाइड की जा रही है वेंटिलेशन के लिए, एक कुछ इस तरह की विंडो रहेगी। इसके साथ ही जो है आपका मॉडर्न किचन रहने वाला है। ये आपका मॉडर्न किचन जो रहने वाला है ये आपका 8x11 में रहने वाला है, कुछ इस तरह का रहेगा। यहाँ पे आपको कैबिनेट्स दिए जा रहे हैं, काफी खुले डुले कैबिनेट्स रहेंगे। ये आपके कबर्ड्स रहेंगे, आप चेक कर सकते हो। इसमें ही जो है आपको यहाँ पे 2 सिंक प्रोवाइड किए जा रहे हैं वेंटिलेशन के लिए, आपको विंडो प्रोवाइड की जा रही है। ये आपकी डाउन सीलिंग रहेगी कुछ इस तरह की। तो कुछ इस तरह का हमारा किचन रहने वाला है। तो अब चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। आइए, आपका जो ये पूरा फ्लैट रहने वाला है 145 गज में आपका ये फ्लैट रहने वाला है। ये रहेगा आपका फर्स्ट बेडरूम, जिसको आप मास्टर बेडरूम कह सकते हैं। ये आपका 12x11 में रहने वाला है, किंग साइज का यहाँ पे बेड होते हुए रनिंग स्पेस दिया जा रहा है। और ये आपका LED पैनल का स्पेस आ जाता है यहाँ पे। ये डाउन सीलिंग रहेगी विद कंसील लाइट के साथ दी जा रही है। और ये कुछ इस तरह के आपके कवर्स रहेंगे, स्लाइडिंग डोर के साथ दिए जा रहे हैं, काफी खुले डुले स्पेशियस है। और टॉप तक इसमें वर्क किया गया है, जो रहने वाली है। इसके साथ ही अटैच आपका वॉशरूम रहेगा। जो वॉशरूम का साइज रहेगा वो 5x8 में रहने वाला है। टाइल का टॉप तक अच्छे से वर्क किया गया है। इसमें ही आपको सारी फिटिंग दी जा रही है, जैक वॉच इसमें फिटिंग रहेगी। वेंटिलेशन के लिए विंडो भी प्रोवाइड की जा रही है। तो अब चलते हैं सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो आइए, काफी खुला डुला स्पेशियस आपका जो है पूरा फ्लैट रहने वाला है। ये रहेगा आपका सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम का साइज भी आपका 12x13 में रहने वाला है, कुछ इस तरह करेगी। आपकी डाउन सीलिंग रहेगी, यहाँ पे आ जाता है आपका LED पैनल का स्पेस। और इसके साथ ही आपका वॉशिंग एरिया आएगा। ये आपका वॉशिंग एरिया रहने वाला है, कुछ इस तरह का आपका वॉशिंग एरिया रहेगा, आप चेक कर सकते हो। और ये रहेगी आप, इसके साथ ही यहाँ पे आपका आ जाता है वॉशरूम। ये आपका वॉशरूम रहेगा। वॉशरूम का साइज जो है 5x8 में रहने वाला है, काफी टॉप तक इसमें वर्क किया गया अच्छे से। जैक वॉक की ही इसमें फिटिंग रहने वाली है। और यहाँ पे साथ ही आपके कबर्स आ जाते हैं, ये आपके कबर्स रहने वाले हैं। स्लाइडिंग डोर के साथ कबर्स दिए जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह का हमारा सेकेंड बेडरूम रहने वाला है। और अब चलिए चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। आइए, आपका थर्ड बेडरूम रहने वाला है। इसका जो साइज रहेगा ये आपका 10x12 में रहने वाला है, कुछ इस तरह का रहेगा। इसमें आपको यहाँ पे LED पैनल का स्पेस दिया जाएगा जा रहा है, जिसमें आपको वुडन वर्क के साथ LED पैनल का स्पेस आ जाता है। ये आपकी डाउन सीलिंग रहेगी विद कंसील लाइट के साथ दी जा रही है। ये आपके कबर्ड्स रहेंगे, कुछ इस तरह के रहेंगे। अलग से बॉक्स दिए जा रहे हैं ताकि आप जो है अपना सामान आराम से काफ़ी ज़्यादा स्टोर कर सकते हो। और ये रहेगा आपका अटैच इसमें वॉशरूम। ये आपका वॉशरूम रहेगा, 5x5 में वॉशरूम रहेगा। टाइल का टॉप तक वर्क किया गया है। विंडो भी प्रोवाइड की जा रही है वेंटिलेशन के लिए। जैक वॉक इसमें पूरी आपकी फिटिंग रहेगी। और ये आ जाता है आपका बालकनी के लिए, ये आपकी बालकनी रहने वाली है। आइए, ये आपकी बालकनी रहने वाली है, बाहर का आप व्यू इंजॉय कर सकते हो। और आप सबसे बड़ी बात है, आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पे जो है आज के टाइम में सर्दी आ रही है,
तो सर्दी में आप धूप भी इंजॉय कर सकते हो, तो आराम से यहाँ पे आपके पूरे फ्लैट पे धूप आ रही है तो आप धूप भी इंजॉय कर सकते हो। तो गाइज ये तो हमारा 3 BHK का होम टूर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आपको बताना चाहूँगी ये जो है 80% आपका रेडी है। आप सोच रहे होंगे 80% क्यों रेडी है, क्योंकि 20% जो है आप चाहेंगे कि मेरा घर जो है मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा डिज़ाइन हो, कलर पेंटिंग मेरे अकॉर्डिंग हो, इसलिए जो है 45 दिनों के अंदर जो है ये घर आपका रेडी हो जाएगा। इसकी प्राइस की बात करूंगी, जो प्राइस रहने वाला है आपका ग्राउंड फ्लोर का प्राइस 42 लाख रहने वाला है, और आपका फर्स्ट फ्लोर का जो है प्राइस वो 41 लाख रहने वाला है, और जो आपका टॉप फ्लोर रहेगा उसका प्राइस जो है आपका 41 लाख ज्यादा ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि उसमें जो है आपकी पूरी टेरिस आपकी रहने वाली है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कैसी आपको वीडियो लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।